बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं मुल्क में बनने वाली नई सियासी जमात के हवाले से। बहुत सारे कारकुनान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि वो किसी और सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ नहीं जोड़ेंगे, लेकिन अब वो नई सियासी जमात के लिए जहांगीर ख़ान तरीन के साथ उनकी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। जहांगीर ख़ान तरीन जो कि गुज़िश्ता अदवारे हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी रह चुके और बड़े करीबी साथी रह चुके, उनकी जानिब से अब नई सियासी जमात बनाई जा रही है और रबते किए जा रहे हैं उन लोगों से जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में इलेक्शंस भी आने वाले हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल आखिर इलेक्शंस होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान में बनने वाली नई सियासी जमात के पास अवामी उम्मीदें पूरी करने के लिए कोई प्लान होगा, कोई विजन होगा, और ख़ास तौर पर क्या इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक नई सियासी जमात के लिए कितनी जगह है, कितनी स्पेस है, लोग उनको क्या खुले दिल से कबूल करेंगे, किस तरह से ये सारे मामला तय पाएंगे, अवाम इस बारे में क्या सोच रही है और इस वक्त अवामी मसाइल क्या हैं और अवाम को क्या लगता है कि कौन सी पार्टी के पास इस वक्त पाकिस्तान के और अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं, जिसमें महंगाई सरे फहरिस्त है, उनका हल है। ये तमाम सवालात आज के प्रोग्राम में हम अपने लोगों के सामने रखेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। क्या करते हैं? सिलाई का काम करते हैं। दर्जी भाई हमारे जी। खवातीन के कपड़े या मर्दों के? सारे सारे कपड़े सिलाई? हाँ जी। अच्छा, ज़्यादा खवातीन कपड़े सिलाई करवाती हैं या मर्द करवाते हैं? मर्द कराते हैं। खवातीन कम जी। अच्छा, मुझे बताइए कि इस वक्त मुल्क में नई सियासी जमात बन रही है, कैसी देख रहे हैं जमात को? क्या अल्लाह हाफिज है, अल्लाह हाफिज है। सर, अभी तो नई जमात बनी भी नहीं, आपने अल्लाह हाफिज कर दिया। हाँ जी, अल्लाह हाफिज है हमारे मुल्क का। तो बेशक है, लेकिन नई सियासी जमात आ रही है कि हम मसाइल हल करेंगे। कौन सी नई आ रही है? जहांगीर तरीन? क्या वो नहीं है, नायल नहीं है? आपको दुआ करो कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए, इनमें से कोई नहीं है, पीर फकीर निकाल के बस सुभान अल्लाह। सर, वो तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए जमात ला रहे हैं, सियासी नहीं। अगला उन्हें केस माफ़ करवा लिए हैं, ये आके अपने केस माफ़ करवा लेगा और क्या करेगा? हम गरीबों को कौन सोच रहा है? किसी ने सोचा है दिन तक? इतनी मोहलत है कि कोई देख के आके रोटी किस भाव है? ना वज़ीर आज़म को है, ना सदर को है, किसको है इतनी तकलीफ? पिस तो गरीब ही रहा है ना, एक दिहाड़ी लगाएं आके वज़ीर आज़म साहब, उनको पता चल जाएगा मजदूरी करने का कि मजदूरी कैसे होती है। आप मजदूर भाई बैठ के यही पता लगाते हैं कि रोटी 20 रुपए की है? मजदूरी तो करके देखें ना, मजदूरी क्या है? जितने भी हैं, जितने भी हैं करप्ट वाला है, किसी को गरीब की फिक्र नहीं। ये गरीब खत्म करने पे तुल्वे में जो भी आवाज उठाता है, हम गरीब एक नहीं रहने देंगे भाई जी। गरीब तो बढ़ते जा रहे हैं, जो मिडिल क्लास था वो भी गरीब होके रह गया। अल्लाह ताला का हुक्म भी तो देख लेना, उसने गुर्बत को पसंद किया है। ये हमें मारने पे तुल्वे हुए। आप क्या करते सर? सिलाई का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। और बताओ, नाराज क्यों है आज इतने नाराज हैं? पिस रहे हैं, उनके पास तो खाने को है, हमारे पास खाने को भी नहीं है। सिलाई का काम विजिट करके देखे ना, पता चल जाएगा कितने इसी लोहारी के अंदर कितने गरीब रह रहे हैं। एक टाइम पे पक रहा है, एक टाइम पे पक भी नहीं रहा, क्या भूखे कितने मर रहे हैं, किसके घर में खाने को है? ये एक ही बस मुस्लिम लीग बचानी है और कुछ नहीं करना। मार दो पीटीआई को भी, मार दो मुस्लिम लीग को, मारो गरीबों को तो सोचो ना। गरीब क्यों इतना पिस रहा है? यही कसूर है कि ये हम वोट देते हैं, अब इंशाल्लाह ताला वोट भी नहीं डलेंगे इतने। वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि ये कौम की अमानत है, ये अमानत में खयानत करते हैं। कौन हक सच का काम कर रहा है? कोई कर रहा है तो बता दे कि ये हमने हक सच का काम किया है। दवाइयाँ वो महंगी, और नमक तक तो मैंने महंगा कर दिया जो 1 रुपए की पुड़िया थी। आज वज़ीर आज़म ले के देखे, उनको पता चले कि नमक की पुड़िया कितने की है।
गरीब रोए नहीं तो और क्या करेगा। गंदा मियाँ साहब ने 2100 की बजाय कहाँ पे ले गए, 5000 पे ले गए। यही फायदा किया गरीब का उसने। अगर हक सच की ये आज आवाज़ दिखा दोगे साहब को तो उसकी आंखें भी खुल जाएंगी कि मैंने किया क्या है। वजीर आजम को ये स्पेशल पैगाम दो कि ये विजिट करे अपने लोहारी का ही, अपने लोहारी का, लाहौर का, भाटी का, यक्की दरवाजे का पता कर ले। ये तो गढ़ है, बाकी गांव को छोड़ दे। ये तो गढ़ समझे जाते थे, बाकी गांव को छोड़ दे, सिर्फ लोहारी को देख ले आके कि उसके अपने लोहारी में गरीब कैसे मर रहे हैं। एक टाइम का खाना खा रहे हैं, दूसरा टाइम दादा साहब जा रहे हैं। अगर वो भी ना हो तो ये क्या करेंगे हमारा। इससे बढ़ के हम कुछ नहीं कह सकते। अवामी गमो गुस्सा नाराजगी, कैसे हैं आप जी? अल्लाह का शुक्र ठीक हैं। क्या करते हैं? मैं बाजी सोने गोल्ड का काम करता हूँ। गोल्ड का काम आजकल बहुत क्राइसिस में है, तो आपको पता है कि महंगाई का दौर है। गोल्ड तो आपने इतना महंगा कर दिया कि मेरा ख्याल अब सिर्फ बाहर से दुकान से गुजरते हुए एक मिडिल क्लास भी देख ही सकता है, खरीद नहीं सकता। वही मैं कह रहा हूँ ना जी कि पहले जब मैंने काम सीखने बैठा था ना उस वक्त 1600 रुपये तोला था सोना, 1600 रुपये तोला। कौन से सन की बात है ये? ये बात होगी कोई 82 की, ठीक है जी। तो आज देख लें कि 2.25 लाख रुपए तोला है। जब आप उसको ख़रीदने जाएंगे 2.25 लाख में गरीब ने अपनी बेटी ब्याह लेनी है। अब तो बाजी 40 लाख की बात करें, आज इस शहर के अंदर हम 100 साल तारीख के लोग रहने वाले हैं, तो आज बच्चियों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इधर बच्चियों की शादियां नहीं हो रही। किस वजह से नहीं हो रही कि लोग कहते हैं कि दहेज दें, खाना अच्छा दें। मुझे बताएं कि इस शहर में कौन दे सकता है? आज इस घर का एक प्रणाला या नलका ख़राब हो जाता है ना, उसके लिए भी आपको 2000 तो 3000 रुपये खर्च होता है, वो कहाँ से आएगा? बेरोज़गारी इतनी हो गई है तो लोगों को समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। पहले मोहल्ला कमेटियाँ होती थी, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होती थी, वो पूछते थे कि आपका ये रेट क्या है, अगली दुकान का। आज कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है ना वो चीज़ पैसे मांग रहा है। और ये समझ में नहीं आ रही कि मैं अभी शीव लेके गया हूँ, वो इतने की थी, अभी थोड़ी देर के बाद हुए उसने कहा जी 20 रुपये महंगी हो गई। हमारे बल्दियाती इंतखाबात हुआ करते थे, नुमाइंदगान हुआ करते थे जो कि मोहल्ले के मसाइल भी हल करते थे। अल्लाह करे के मसाइल हल हो जाएं, जो हालात तो वाकयात नज़र आ रहे हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं। हम लोग अंदरून शहर के रहने वाले, इस तंगो तारीख गलियों में रहने वाले इंतहाई परेशान हैं। जो ये वाइट कॉलर हैं वो बेचारे कुछ नहीं, किसी से मांग नहीं सकते कि भाई हम किसी से जाके कुछ मांगे कि हमारे घर में, ये नहीं है। सर नई सियासी जमात बन रही है पाकिस्तान में। देखें सियासी जमातें बनती हैं और ख़त्म भी होती हैं, उसमें ये कोई नहीं, हमें इस सियासी जमातों से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें रोटी चाहिए, हमारी बच्चियों की छतों शादी होनी चाहिए। असल में हमें इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए कि बच्चियों की शादियां कैसे होंगी। अब मेरी बच्ची घर में बैठी हुई है, आज उसकी 28 साल उम्र हो गई है। लोग यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए अंदरून शहर में आते हैं, रिश्ते के लिए नहीं आते। ये लम्हा फिक्री है, तो इस पे हमें कोई भी हुकूमत हो, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, मियाँ साहब की हो, किसी जमात इस्लामी की हो, किसी की भी हो, इस पे गौर व फिक्र होना चाहिए कि लोगों की बच्चियाँ अपने घर में जाएं ताकि वो अब बोझ हल्का हो। देखें ना, अब बच्चियाँ घर में बैठी हैं, उनके अखराजात भी हैं, उनके मामलात भी हैं। बच्चियों को क्यों बोझ समझा जा रहा है? उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको पैरों पे खड़ा करें। आप देखें कि पढ़ाने के बाद भी उनको जॉब नहीं है, फिर कहते हैं जी आप मेरिट पे आएं। भाई जब आप पढ़ाते हैं बच्ची को इस बुनियाद पे पढ़ाते हैं कि मेरिट पे आएगी बच्ची, कि वो मेरिट पे आएगी तो वो उसे जॉब मिलेगी, बरसरे रोज़गार होगी, अपने माँ बाप का बोझ हल्का करेगी। आज अपने माँ बाप का कोई बच्चा भी, मेरा बच्चा भी फारिग है, वो भी पढ़ा लिखा है, लेकिन क्या जी मेरिट पे आना है ये आपने। जब ये वोट लेने के लिए आते हैं तो ये किसी से पूछते हैं कि मेरिट पे वोट दें?
लेकिन मेरिट होना तो अच्छी बात है ना, शफाफियत तो होना चाहिए जी, शफाफियत तो होनी चाहिए, मेरिट होना तो अच्छी बात है ना। देखिए मेरिट होना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी आप ना तंग नज़र बने कि एक बच्चा एफए या बीए किया हुआ है तो आप उसे कहें जी ये नौकरी से मिलेगी 18,000 रुपये या 16,000 में, डींगी पे आ जाएं, किसी और जॉब पे आ जाएं, मुझे बताएं आज 18,000 से कोई बंदा अपनी बच्ची की उस बच्चे से शादी करेगा? वो शादी नहीं करेगा क्योंकि वो बिजली के बिल नहीं दे पा रहा। आज एक छोटे से घर का बिल जो है 7,000 रुपये आ रहा है, गैस का बिल 1500-1600 रुपये आ रहा है, नलके का बिल 700 रुपये आ रहा है, मुझे बताएं अगर इस स्केजल लगाते हैं तो वो 18,000 रुपये कहाँ गया? वो तो रोटी कहाँ से खाएगा? ये तो दाता की नगरी है, तो वो अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने वादा किया हर इंसान को रोटी देने का, तो वो अल्लाह किसी को किसी तरीके से रोटी दे रहा है, लेकिन हालात ये कह रहे हैं कि इंसान की रोटी बंद हो गई है। क्या कह रहे थे भाई, नई सियासी जमात पाकिस्तान में बन रही है, क्या कैसा देख रहे हैं मुस्तकबिल पाकिस्तान में? देखो जी ये तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, इतनी ज़्यादा महंगाई है। वो भाई ठीक कह रहे थे, गरीब बंदा किसी की शादी नहीं कर सकता। चलो शुक्र अल्लाह का, मेरी शादी को तो 10 साल हो गया है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि मेरी शादी टाइम से हो गई है। अगर इस दौर में करना चाहते तो मैं भी इसी तरह ही रहता। तो बस यही मामला है। मैं एक शेर बोलूँगा कि दुश्मन से जो घबरा जाए वो इंसान नहीं होता, दुश्मन से जो डर जाए वो इंसान नहीं होता, काफर से जो डर जाए वो मुसलमान नहीं होता, लोगों से कहता हूँ जबंदर का जुनून, साहिल से जो रुक जाए वो इत्तफाक नहीं होता। देखो ना ये दुश्मन से डरते हैं, ये कैसे हुक्मरानी करेंगे? मेरा नहीं ख्याल ये हुक्मरानी करेंगे, ये किसी तरीके भी हुकूमत नहीं कर सकते। ये बात करें नून लीग की, ये 45 साल में इसने क्या किया? 4 तो 5 हमारे घर हैं, 4-5 सूबे हैं, इसको नहीं ये संभाल पड़ रहे, तो गरीब बंदा बस परेशान है। मेरे पास 60 रुपये थे और एक टाइम था कि 60 रुपये में अच्छा खाना खा सकते थे। अभी मैंने 3-4 चावल वाले के पास गया हूँ, मैं 60 रुपये के चावल दे दो, उसने कहा 60 रुपये के चावल नहीं आते। मैंने 20-30 रुपये का शरबत पिया और 30 रुपये का बिस्कुट खा के गुजारा किया। ये हालात, खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला, इतनी महंगाई है। मजदूर बंदा 800-1000 की दिहाड़ी लगाता है और 3 बच्चे हैं, माई बाप है, बहन भाई है, सबका पेट पालना। बस निज़ाम ऐसा ही है कि इसे मौत आ जाए तो बेहतर है। अल्लाह खैर करे, अच्छी बात मुंह से निकालें। अगर गरीब बंदा किसी का छोटी मोटी चोरी कर लेना वो जेल चले जाता है। अभी तो ये वक्त आ गया कि सब चोरियां करे तो बेहतर है। ना करें भाई जी, बुरी बात तो बुरी बात है, चोरी करना कहाँ का इंसाफ है? मेहनत करें, अपना कमाएं, अपना खाएं। अपना तो बस फिर 800 कमाते हैं, 7,000 बेला आ जाता है, 3 बच्चे हैं, उसकी अगर फीस भी दें 1,000-1,000 फीस है, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, फिर कैसे निज़ाम चलाएंगे? क्या हाल है बेटा? ठीक ठीक हो? क्या नाम है आपका? मोहम्मद किशारी वासिफ। क्या करते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। 4th क्लास में पढ़ते हो, अभी स्कूल से आ गए हो? यह आज लंच में क्या था? आज लंच तो हम सुबह करके नहीं जाते, जब हम घर आते हैं ना हम तब करके जाते करते हैं। अच्छा, साथ नहीं लेके जाते लंच, वापिस आके करते हो? क्या कहना चाहते हो? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, हम पे पढ़ाई में तो ठीक है मगर ये हम एक चीज़ के खिलाफ है, ये महंगाई देख ले, कोई सौदा लेने जाते हैं तो आटे का आप रेट देख ले, ऐसे चीनी वगैरह का रेट देख ले, इसके हिसाब से ये इसके ही वाले से उनको कहना चाहूँगा, इनका पेट्रोल का और चीनी का ये इन चीज़ों का रेट कम हो जाएगा ना, ये जो आस पास गरीब मर रहे हैं ना इनका पेट भर जाएंगे। गरीब कौन होता है? गरीब जैसे कि ये बैठे होते हैं फुटपाथ पे, ये लोहारी भाटी में, दरवाज़ों में, और एक ये जो जिनको खाना नहीं मिलता वो। और महंगा क्या क्या हो गया, आपको कौन सा सौदा महंगा लग रहा है? मुझे तो बहुत कुछ महंगा लग रहा है। अच्छा, क्या क्या? आटा, चीनी, फल, ऐसी ये सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, पेट्रोल को देख लें आप। आटा चीनी महंगा हो गया है, ये किसने बताया आपको? आप खुद लेने जाते हो? हाँ जी, हाँ जी। आप लेने जाते हो? हाँ जी। कितना आटा? आटा मैं बस बजट के हिसाब से लेने जाते हैं। हाँ। 2 किलो 3 किलो हाँ। 5 किलो कितना लाते हो? 1-2 किलो के करीब ही लाते हैं। 1-2 किलो लाते हो? अच्छा, तो फिर वो कितने दिन के बाद दोबारा खरीदने जाते हो? हम फिर दो
पाँच छः दिन बाद जाते हैं। अच्छा महंगाई महंगाई कौन कर रहा है कि महंगाई बहुत हो गई है, कैसे पता चलता है महंगाई हो गई? महंगाई आप देख लें, अब आप जाके उनसे ना, ये आप इधर से ही पता कर सकते हैं। आप ये क्या नाम लेते हैं, फारसी का रेट कार्ड पता कर लें तो आपको इसी से ही अंदाजा हो जाएगा। फल सभी महंगा हो गया। हाँ जी, हर एक फल महंगा हो गया है। बहुत दूर है। आपको कौन सा फ्रूट पसंद है? मैंगो। मैंगो अभी आ गया है, खाया आपने या अभी नहीं आया? महंगा है। अभी नहीं खाया। अभी नहीं खाया, अभी काफी दिन हो गया वैसे आ गया है। हाँ जी। देखा है आपने? हाँ जी। कहा आपने? सारी रेडियो पे लगा हुआ। आपने मम्मा को कहा, बाबा को कहा कि मैंगो लाए? हाँ जी, बाबा कह रहे थे मेरी तनख्वाह आएगी फिर जाएंगे। लेके आएंगे। क्या करते हैं बाबा आपके? बाबा हमारे शेफ है। शेफ है? कहाँ पर? के पास। अच्छा खाना पकाते हैं? हाँ जी। सबसे अच्छा क्या खाना पकाते हैं? वो बिरयानी। बिरयानी, वाह। अच्छा बाबा शेफ हैं, घर में खाना मम्मा बनाती हैं या बाबा ही बनाते हैं? मम्मा। ये क्या बात हुई, कैसे शेफ बाबा हैं? वो बस उनको अब छुट्टी भी नहीं मिलती। हाँ। बस वो जैसे। आपने क्या बनना है बड़े होके? फौजी। फौज में जाओगे? या। क्या बात है, वेरी गुड जी। छोटे छोटे बच्चे हैं और जब घर का सामान सौदा लेने जाते हैं तो माएँ हर रोज़ कान में बस एक ही बात डालती हैं कि ये इतने की चीज़ लानी है, पहले इतने की थी अब इतनी हो गई है। और बच्चे जो हैं उनको भी पता चल गया है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं नई सियासी जमात के हवाले से और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं तो आज भाई जॉब पर नहीं गए? जॉब पर अभी आ रहे हैं। छुट्टी हो गई? छुट्टी तो होगी लेकिन काम था, घर जल्दी आ गए। कैसी चल रही है जॉब? महंगाई ऊपर जाती है, सैलरीज बढ़ जाती है महंगाई के तनासुब से? सैलरी का नाम ना ले बढ़ने का, वो गुनाह है। वो तुकती राग है? हाँ जी, वो गुनाह है। हाँ। वो मुलाज़म के लिए इस तरह जैसे गुनाह समझे। देखिए महंगाई की शरह जो है ना वो अब से नहीं है, वो जब सतारा को, जब मियाँ नवाशी को उन्होंने उतारा अब अकामा की बुनियाद पर, कोई करप्शन का केस नहीं था, सिर्फ तनख्वाह ला लेने पर भी इसका जुल्म, इसका ये था कि ये मुल्क को चला रहा था। मुल्क क्यों चल रहा था? ये बंदे को मार दो, इसको सजाए मौत दे दो। जो बंदा मुल्क चलाएगा वो गोली खाएगा, वो फांसी पे चढ़ेगा, वो भुट्टो हो या नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, जो मुल्क को चलाएगा वो सजा पाएगा। सीधी सी बात है, सतारा में मुल्क चल रहा था, बेहतरीन चल रहा था, क्या मसला था? अकामा की बुनियाद पर उन्होंने फ़र्क कर दिया। उसके बाद जनाब की गवर्नमेंट आई, वो उसके लिए आप मीडिया वालों को भी पता है, अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कैसा काम किया, कितना काम किया, किस शराब पे महंगाई किस वजह से गई, वो किस तरह गई, ये किस, ये बच्चे से पूछना। अभी आपने बच्चों से इंटरव्यू किया है, बच्चे तक को पता है महंगाई किस वजह से हुई और कैसे हुई, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है, फिगर पॉइंट है। देखिए ना ये माइक आपका कलर किस तरह है, मुझे ये बताएं आप। मैं कह दूँ ये सफ़ेद है, ये तो सीधा सा झूठ है ना, इसको मैं सफ़ेद तो नहीं कह सकता। हाँ जी यही बात है ना, लोग असल में शऊर नहीं है, सब जब शऊर आएगा तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। अंदर का चोर हमने खुद को मारना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि फलां बंदा चोर है, मैंने खुद घर डायरेक्ट बिजली चला रहा हूँ ठीक है, और मैं जा रहा हूँ दूसरे को चोर कह रहा हूँ, दूसरे को चोर कह रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ, मैं सब्ज़ी वाले से कह रहा हूँ मैंने आपसे तय किए हैं 5 रुपये किलो, और मैंने कह रहा अभी मैंने आपको 4 रुपये किलो का है, मैं खुद झूठ बोल के खुद इस तरह का काम मैं खुद कर रहा हूँ, और चोर किसको कह रहा हूँ, हुक्मरानों को। अंदर का जब तक चोर नहीं मरेगा, अंदर का इंसान अपने आप को ठीक नहीं करेगा, शऊर नहीं आएगा। शऊर आएगा दीनी तलीम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तलीम दी है वो तलीम देंगे बच्चों को तो शऊर आएगा। तलीम देखें, इतने से पढ़े लिखे लोग उनको शऊर नहीं है, उनको तलीम का नहीं पता। आप किसी से पूछने खड़े हो गए वजू के फ़रैज़, किसी को पूछने नहीं पता होगा, किसी से पूछे नमाज कितनी पढ़ने पर नहीं पता होगा। आपका कहने का मकसद है कि हमारी जो तालीम और तरबियत है उसमें कहीं खला है, इनफरादी तौर पे सबको अपना अपना किरदार निभा के ठीक होना होगा, खुद को ठीक करना। अल्हम्दुलिल्लाह यही बात है, ये जब खुद ठीक होंगे तो हुक्मरानों की क्या जरूरत है,
देखिए ना, आप देखिए तकसीम किया हुआ है हर चीज़ को, कितनी जमातें हैं। मैं इस चीज़ से हैरान हूँ, इतनी जमातें हैं, हर बंदा डिवाइड हुआ है। मैं कहता मुझे नून लीग पसंद है, किसको कहता मुझे पीटी। तो एक और नई सियासी जमात बन रही है। हाँ जी, नहीं नहीं, अब तो बेशुमार बनी है ना, बन गई हैं। असल में हमने खुद डिवाइड आपको खुद किया हुआ है, हमने अपने आप को ना तो इस्लामी तलीमात में डाला हुआ है, ना सच बोलते हैं, ठीक है। हुक्मरान देखिए, हुक्मरान जब ठीक तभी होंगे जब हम खुद ठीक होंगे। देखिए ना, अब महंगाई की शरह थी जब मियां नवाज शरीफ का दौर था, 150 रुपये किलो घी था, चीनी क्या थी, पेट्रोल 65 रुपये का था, ठीक है ना। चार सालों में उसका रेट क्या हुआ, अब एक साल में उसकी महंगाई की शरह क्या है, वो किस वजह से हुई। हमारे मुल्क में पैसा नहीं था, डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, और ये जमात जिसको फारग किया अभी पीटीआई को, उसने ये कहा था ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। उस मुल्क की खैर नहीं मांगी, खैर की कोई शर, हर तबर शर फैलाया है। जब शर फैलेगा, लोगों को मौका मिलेगा, तो दूसरे मुल्क उसको दहशतगर्द करार दे देंगे। हम खुद ही नहीं अपने घर को बजा रहे, हम खुद ही अपना घर जला रहे हैं। देखिए मैं मिसाल के देता हूँ, मेरी ये दुकान है, मैं इसको खुद जलाऊँगा, कभी नहीं जलाऊँगा, ये प्रॉपर्टी समझ के चलाऊंगा, ये गवर्नमेंट का माल है भाई, ये आप ही का माल के बनी हुई है, आपकी जेब से निकलना है गवर्नमेंट। वो आप मिसाल के तौर पे अभी एक टैक्स लगा है 1 रुपया, अभी जितना जो नुकसान हुआ है उन्हें घर से तो लाना नहीं, उन्होंने कहना 2 रुपया कर दो, तो आवाम ने देना है। हम अपना घर क्यों खुद जलाएं, पाक फौज हमारी मुहाफ़ज़ है, उन्होंने अपने जान के नजराने दे के इस मुल्क को बचाया हुआ है, ठीक है ना। देखिए अभी कारगिल की जंग से लेकर 1965 की जंग से लेकर, मुझे ये बताएं कि उन्होंने शहादत दी, एक 25 हज़ार तनख्वाह है जिसकी, वो गोली खाएगा, मुझे बताएं। मैं कहता हूँ कोई 25 हज़ार रुपये तनख्वाह लेकर गोली खा ली, एक वो ही खाएगा ना जो ईमान वाला होगा। उसका ईमान तनख्वाह नहीं है, उसका ईमान है मुल्क की हिफाजत करना, उसका ईमान है आप लोगों की हिफाजत करना, आप सुख की नींद सोते हो। मेरा आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है, वो ख्वाब किसी भी पार्टी से हो, मेरी आज जाना गुजारित है, इत्तेजाज सब करें, लेकिन इस तरह का इत्तेजाज ना करें कि अपना नुकसान ना करें। क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे सर? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अयूब खान से लेके अभी तक सारा दौर देखा, सारा दौर तबाही में सब ने हिस्सा डाला। आपने अभी कहा कि आपके खीसे से निकलेगा, आप तो हमारे खीसे में रह ही कुछ नहीं गया, या क्या निकालेंगे हमारे खीसे से, खाली हो गया। हाँ खाली हो गया बाजी जी, इन्होंने कहो पंजे चोजे भी निकल जाओ, मिलके मुल्क को चलाएं, कि अवाम का सोचें। नई सियासी जमात बन रही है, जहांगीर खान तरीन साहब नई सियासी जमात बना रहे हैं। बाजी जी बड़िया ही जमात देखिया जी, एक जमात मरान खान की जदों आई है, उन्हें कहा खौफ के बुत तोड़ दो, खौफ के बुत तोड़ दो, ए बुत टुटा जे खौफ, सन नहीं पता किन्ने किया, आहर जो होया ना किन्ना ने करवाया, की होया वो ही मैं दसदा, अयूब खान तो लैके हूँ तक मैं सारा दौर देखिया, जो जो होया सब पता। तो इन्होंने कहो अल्लाह का वास्ता जे ना लड़ो आपस में, अवाम का, अवाम का सोचो, अवाम का साढ़े मुल्क में बहुत थले ला गए बाजी, बहुत साढ़े मुल्क की नहीं है, साढ़े मुल्क काला माल है, हम तो हर तरह का मौसम, जराई मुल्क, हमारे मेहनत का शर्त, पहाड़, 300 रुपए बारिशें, हर चीज है हमारे पास। 4 रुपए का शेर गोश्त था, अच्छा। जब मैंने वो संभाल ली, 90 रुपए तोला सोना मैंने देखा, माशाल्लाह बाजी जी, 90 रुपए तोला, 2 लाख से ऊपर चला गया, संत रेंट में हाँ जी। आज सोने का तो रेट आपको कंप्यूटर पे देखोगे, कंप्यूटर पे बाजी, ये नस्ल क्या देखेगी, ये छोटे बच्चे, किसी बच्ची का चेहरा देख लें, किसी के चेहरे पर रौनक ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम साहब, किसी अगे आओ जी, अगे आओ, शायद मेरी कोई बात आपको समझ ना आई हो, सारी बातें समझ आई हैं आपकी, जे साडे मुल्क नु अगों चला दें, खुशहाल मुल्क बन जाए साडा, इन्हें आके बेड़ा गर्क करते साडा, ठीक है ना। 1 रुपये जेब नहीं रह गया, 1 रुपये जिन्हों कहते जेब नहीं है, अच 1 रुपये जिन्हों होंगे ना अज वो भी जेब नहीं है, कारोबार कुछ भी नहीं रह गया, ठीक है। इन्नी महंगाई है कि कितू पालिए बच्चों ने कितू पालिए, 10 रुपये की चीज़ बच्चे को नहीं लेके दे सकता, ये हालात है लोगों के, है जी। 700 रुपया मुर्गी का गोश्त बाजी, हाँ जी,
ये कहते डिफॉल्ट नहीं हुआ, मुझे नहीं समझ आती, कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट ही नहीं है जी। 6 रुपए किलो देसी घी, 6 रुपए पूंदे ना कि हो डालडा के, और 900 रुपए किलो किरा बंदा करेगा बताओ, कौन सा बंदा घर का कहेगा, कौन सा बंदा खाएगा। ये भी मेरा छोटा भाई है, ये सब ये देखो आने के एक पैसे का 5 नान लेते थे, अब क्या है 25-30 रुपए का नान। आपने क्या कर रहे हैं, ये हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, कुछ भी नहीं कर सकते आप। ऊपर जो बैठे ना वो पट्टो ना बट्टो की क्या बात है, और नाल दा सिर्फ 2 आए ने। इमरान खान ने बिल्कुल खाना खराब करता है, नई सियासी जमात बन रही है। नहीं कोई सियासी जमात नहीं की, सब कहते हैं भर लीए इन्होंने छड़ दो समझियो, ए मौलवी जो आए ने और असी भरी जाइए। मैं यह दसो फंड आया सारा अपना लॉकडाउन से जो घलिया पैया कितने ही है, दिखाओ मैनू दसो कितने ही है। बिल घर घर आ रहे हैं, बिल नहीं आ रहे लोगों के घर, 3-3 महीने बिल नहीं आ रहे। बिल कढ़ाने गए ने 18,000 रुपया बिल, और बेचारा बिल देवे बच्चे ने मारे और रोंदे पे ने बाहर बैठे ने मेरे को। फायदा कोई नहीं गा, एक बंदा 25,000 तनखा लेंदा ना, एक 25,000 तनखा लेंदा, 10,000 किराया चला गया, 5,000 बिल चला गया, बाकी बचा दसो कुछ भी नहीं। मेरी उम्र सत्तर साल हो गई है, मैं फिर 7 साल मुझे ऐसी दुकान 400 तनखा लेना सब बड़ा खुशहाल था, हूँ तनखा हर की नहीं है 25,000 10,000 चल गया मकान का किराया, बाकी बचा 15,000 रुपया, 5,000 किराया ला लो बाकी बचा 10,000, 5,000 बिल चल गया रोटी बसाए को जा खाई करिए की कमाल करते पे बेटा मेरे सोने बेकार गया एक घूमत हो गया। मैं तो कहना बस मेरा हो कोई ऐसी गल नहीं क्या दर, हमने बताना भी नहीं है कि लोग परेशान है, ये भी छोड़ दें तो फिर कैसे। ये बताना है ना, ये तो बताना है। आप 25 रुपये का नान है ना, आदमी एक दो खाता है ना वो एक से गुजारा करता है, 20 की रोटी है ना 3 खाने वाला 2 खाएगा। भाई गैस भी नहीं आती, सुई गैस नहीं आ रहा, गैस भी नहीं आती, बड़ी तंगी है, बहुत तकलीफ है, बहुत वहाँ परेशान। नई सियासी जमात बनाई जा रही है, जहांगीर खान तरीन साहब नई सियासी जमात बना रहे हैं, मुल्की मसाइल का हल होगा उनके पास, आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह होएगा, अगर इलेक्शन आएंगे तो बाद में पता चलेगा ना क्या बनता है। आपकी तरफ क्या मसाइल भाई जी? मसाइल ये है कि मैं भी सालन ही बेचता हूँ यहाँ पे, पहले लोग 100 रुपये का 200 रुपये का सालन ले लेते थे, अब 50 रुपये से ऊपर कोई सालन नहीं लेता, और ऊपर से लोड शेडिंग है, हर बंदा 3 टाइम का खाना बैठ से ही खा रहा है, कौन खाएगा 400 का 500 का मगज पाएगी बोटी, दाल के लिए नहीं छोड़ा इन्होंने वहाँ, बुरे हाल हैं, लाइट भी गायब है, गैस भी नहीं आ रही, गर्मियों में भी गैस नहीं आ रही, नहीं आ ही नहीं रही, आती नहीं है गैस नहीं है, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक गैस नहीं आएगा, हर तरफ यही है हर जगह, 2-3 घंटे आती है, जब आवाम सोई होती है तब गैस आना शुरू हो जाती है। अवामी राय आपके सामने है और लोगों के मसाइल अवाम बता रहे हैं, और अवाम जो हैं वो सियासी जमातों से नाराज़ हैं, परेशान हैं, और सबसे जो बुनियादी नाराज़गी की वजह है जो मुझे अभी तक समझ आई है, जो कि हर शख्स की ज़बान पे है, वो महंगाई है, और कुछ वो आटा चीनी दाल सस्ती हो जाए तो मेरा ख्याल कुछ रिलीफ मिल जाएगा। मिल जाएगा, दाल गोश्त ये जरा थोड़ा आएगा कम, ये लोग जो है ना लोग ये जरा थोड़ा सुकून में हो जाएंगे, अगर ये नहीं होंगे ये खाना जिंदगी शुरू होने का चांस है, इसलिए हमारा मुल्क जो भी है वो तो अल्लाह ताला ने चलता है, लेकिन बंदियों के वास्ते का कोई काम नहीं रहा, अगर ये ना हुआ तो ये खाना जंगी शुरू हो जाएगी, जिस तरह हर बंदा बंदे को मारन तुर है, चोरियाँ डिकेटियाँ ये शुरू हो जाएगियाँ। असं कहते कोई चंगा बंदा आवे, कोई अल्लाह का बंदा ऐसा आवे, कोई सारी महंगाई घट करे, पैसे लोगों को हो, किसी को एक रुपया किसी से भी नहीं रहा, जिस तरह आप पूछ रहे ना पावा किसे चल गया 250-300 चल गया, किसी होंगे 15 रुपये का 20 रुपये का, वो खत्म हो गया, हूँ बंदा रोटी तलाश लगता पै तो रोटी हूँ नहीं लभनी, जो मर्जी कर लो। बाबा जी अं 200 रुपये का बेचते रहे हैं महीना पहले, एक महीना पहले हम 200 का पाया बेचता ना, 25 साल हो गए हमें सालन लगाते हुए, ये भाई री बकरे का सालन लगाते हैं सिर्फ, अब गा कहता 50 का दे दो, क्या करें उसको, कह के चला जा, हम कहते चलो कुछ आ ही रहा है ना दे ही जाओ। तो काम मेरा बिल्कुल डाउन हुआ है, मेरा काम है सलमे सर, दुकानदार को पैसा ही नहीं है, जो काम लेके जाते हो कहते फिर आ जाना जाओ बार, इस तरह तरीके से बोलते हैं, बदतमीजी से अगले दिन बोलते हैं, अगला कहता यार मैं इन तक मैं गोलियां मार के जावा, क्या करें मजबूर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो दो बंदे आए ने इमरान खान तो यार
तो काम खराब हो गया, बड़ा प्यारा काम खराब होया। पहले मरान से पहले कुछ थोड़ा जहाँ सुकून है भाई जी। एक साल हो गया अब तो पीटीएम के पास हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है। क्यों आए ने फिर वो जो पास ही हुकूमत इन पांच साल पूरे करन देता, फिर ना करन देता, फिर उन्होंने कहा यार 500 कर इन्हें तो बदनाम होना ही होना सी। इन्हें इमरान खान ने बदनाम होना ही होना सी, क्यों आया? पीडीएम ने तो उनको इसीलिए भेजा था, इसीलिए कट के बाहर मारे अगले ने, तो फिर यही कुछ होना है। ये मुल्क का सब बहुत बड़ी ज्यादती है वो, इसलिए कि ये बेचारे भाई हमारे जिस तरीके से ये कर रहे हैं ना काम, इनको पता है या इनके रब को पता है। अब हम भी सौदा लेना जाते हैं ना, इतनी महंगाई। क्या लाए भाई आज, क्या ले आए सामान? तो ये एक पाव घी, साथ में एक पाव घी बस। वो क्या करें कि वक्त ही ऐसा जा रहा है। ये भाई रोते हैं ना तो हम इनको देखते हैं कि यार वाकई मुल्क के जैसा मुल्क चल रहा है, मुल्क के हालात ये देखो इतनी महंगाई है। तो सस्ती सब्जी है लेकिन इधर भी रेट 80 रुपए किलो है, 100 रुपए किलो रेट है, और 150 रुपए पे घी पाव का चला गया। जो सर पाव का घी का आधा किलो हम 150 का लेते थे ना, उस टाइम 200 रुपए का से 500 से 600 रुपए पे घी पहुंच चुका है। अब क्या करें, क्या करें, ले गया है लेकिन ये भी 80-90 रुपए किलो है। ये चोरी है गांव में ना, गांव में ये वैसे। अब बताओ क्या करें, ये वजह है इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ करता है। कोई हर काम जरा से जाम हो गया, कोई काम चलता ही नहीं पाया। जो तो काम चलेगा तो पैसा आएगा ना, जो तो पैसा काम ही नहीं होगा तो पैसा क्या सानू कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। पैसा देना बहुत जरूरी इंसान को, गरीब आदमी इन्ना क पिस गया है वो किसी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा हूँ। मैं किधर जावा किधर ना जावा, मुल्क पे कर्जे का इतना बोझ डाल दिया हुआ है इन्होंने, तो हम लोगों के सिर पर ही डाला इन्होंने। ये तो चले जाएंगे बाहर के मुल्कों में और हम लोगों के सिर पे कहेंगे जी इन्होंने कितना कर्ज देना था। तो बताएं आज तक किसने जाके इनके खिलाफ जो सी भी आया कटिया में पिटते गरीब आवामी है, पिसते हम लोग ही हैं। ये वजह, ये लोग चंगे हो ना, ये लोग अच्छे हो ना तो साड़ा मुल्क चल जाएगा। ये लोग अच्छे कोई भी नहीं है। जो नवाज शरीफ आया सी ना उदो काम चलता पाया, माशाल्लाह हर पैसा भी आ रहा, महंगाई भी घट सी। पता नहीं बाद चो की हो गया, कि झुरू फिर लगे बाद चो। वो ये काली नान शॉप है मेरी, मैदा नहीं मुझे मिल रहा, हम नान कहाँ से लगाएं? रोटी नान महंगी, हाँ वो महंगी है, वो बेचे कैसे बेचे, मैदा नहीं मिलेगा कहाँ से जाएंगे? नज़र अवामी राय आपके सामने है और अवामी परेशानी आपके सामने है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। मुल्की सियासी सूरत हाल, मुल्की मसाइल, अवामी राय और पाकिस्तान में बनने वाली नई सियासी जमात अवामी राय क्या है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या हाल है भाई जी? सियासत कोई भी नहीं है, इमरान खान जोन साहब वो अपनी बेवकूफ़ी की तरफ से वाम को कह रहे हैं कि वाम मेरे साथ है, वाम कोई नहीं साथ। जो नून लीग है वो इंशाल्लाह ताला, नून लीग की हुकूमत इंशाल्लाह ताला जारी रहेगी, कोई भी इसको तोड़ नहीं सकता इंशाल्लाह मेरे मौला के सदके। ये नून लीग की है, मरियम नवाज जो भी जलसा कर रही है पूरे धूमधाम से कर रही है। क्या करते भाई, ये जोन सी महंगाई है, ये महंगाई इमरान खान ने की है आते। अरे भाई जी उनको तो गए हुए भी एक साल से ज्यादा हो गया, एक साल हो चुका है, वो तो मुझे पता है। जोन से वो इमरान खान के इधर से सपोर्टर वो कुछ भी नहीं होना, जो नून लीग की हुकूमत है वो नून लीग की रहेगी। ये महंगाई जोन सी है, ये शबाशिश कम करेगा इंशाल्लाह। ये वाम कह रही है ना महंगाई बहुत तेज़ हो रही है, ये आटा ऊपर जा रहा है, चीनी ऊपर जा रही है, दालें ऊपर जा रही हैं, दूध का रेट ऊपर जा रहा है, इंशाल्लाह ताला ये सारी महंगाई नीचे आएगी। पेट्रोल इंशाल्लाह कब 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 बताते हैं, कब ये महंगाई नीचे आएगी इंशाल्लाह ताला अगले महीने से। शबाश ने बात दी हुई है इंशाल्लाह ये महंगाई नीचे आएगी, आटा होगा 100 रुपए किलो। आपको आपको फोन आया उनका बताया? फोन आया हमें, फोन आया शबाज शरीफ का डायरेक्ट रहा है राणा तनवीर से भी इंशाल्लाह अगले महीने से। अगले महीने क्या क्या सस्ता? चीनी भी सस्ती होगी, आटा भी सस्ता होगा, पेट्रोल भी सस्ता होगा। चीनी का क्या रेट हो जाएगा अगले महीने से? चीनी का हो जाएगा कोई मेरे ख्याल से कोई 70-80 रुपए हो जाएगा इंशाल्लाह। 80 और घी कितने में मिलेगा अगले महीने से? घी भी हो जाएगा कोई मेरे ख्याल से कोई 400 रुपए किलो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा,
अभी वैसे पता है भाई को क्या रेट चल रहा? अभी अभी नहीं पता, नून लीग का ही पता है हमें बस। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। काम कारोबार कैसा है? बस बैठ बैठ के टाइम गुजर जाता है और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा बैठ बैठ के ऑब्जर्व क्या कर रहे होते हैं? लोग क्या कहते हैं? नाराज हैं हुकूमत से, सियासत से, खुद से, अपनी ज़िंदगी से, काम से, क्या ऑब्जर्व करते हैं सारा दिन? बस बैठ के अल्लाह को याद करना और तो कुछ भी नहीं हमने करना। उसी ने रिजक देना है, इंसान ने तो देना नहीं है। वसीले तो बनाने हैं हमने, हरकत तो करनी। वसीला वही है, उसी ने बनाना है सब कुछ। मगर महंगाई तो है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहरहाल देखिए हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि महंगाई के ऊपर फोकस करें ताकि हमारा मुल्क बेहतर से बेहतर चले। हमने अपने मुल्क के लिए सोचना है, दूसरों के लिए नहीं सोचना। एक तो महंगाई इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसके अलावा क्या मसाइल हैं जो मुल्क को दरपेश है? जी देखें जी, अब ये अंदरून है, ये 12 दरवाजे हैं। यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो कब्ज़ा ग्रुप है जी। यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर जितने हैं, मेरे अपने घर पे कब्जा हुआ हुआ यहीं पे। तो पुलिस भी तो है यहाँ पर हमारे मुहाफिज। सुनती जी पुलिस नहीं सुनती, पुलिस ये बस बड़ा नाम है, सबके चलते हैं सिस्टम यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलरों के। और जितने हैं प्रॉपर्टी डीलर हैं कब्जा ग्रुप, पर्चे हुए हुए हैं उनके ऊपर, पुलिस उनको पूरा सपोर्ट करती है। ऐसी गुंडागर्दी बस जी होश है यहाँ पे। अफगानी छुपके बैठे हुए अंदर, वही करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं। और पुलिस को भी मालूम है? पुलिस को मालूम है, सब कुछ पता है आपके सामने। जो सियासत नई गवर्नमेंट आती है वो उसमें शामिल हो जाते हैं तो उनको फिर हाथ डालना मुश्किल हो जाता है। बस यही है। अभी मुझे आज तकरीबन 4 साल हो गए हैं केस लड़ते हुए। घर भी हमारा हो, प्रॉपर्टी भी हमारी हो, नाम पर हो, और फिर उसके ऊपर अफगानियों का कब्ज़ा भी हो और वो प्रॉपर्टी डीलर भी हो। इतनी खुलेआम दो नंबरी और इतने खुलेआम ना, सब अंदरून है यहाँ पे, सब कुछ यही चल रहा है। गरीब जो है, जो जिसको समझ नहीं है उसको वो वड़गला के उसको फसला लेते हैं और ये काम शुरू हो जाता है। वो गरीब फंस जाता है जिसको समझ बूझ नहीं है यहाँ पर ना प्रॉपर्टी के बारे में। आपको भी बहलाया फुसलाया गया? नहीं, वो बड़े भाई थे, उसको बहला फुसला के उन्होंने कि भी हम रेंट पे दे देंगे, बाद में खाली कराने के लिए कि जी हम गिरवी चराएंगे, उनको जाली दिखा के इस तरह का उन्होंने फ्रॉड किया। फिर तफ्तीश में साबित हुआ कि पैसे तो दिया नहीं है इन्होंने। अब काम तो था ना पुलिस का उसी वक्त के, जब साबित हो गया कि पैसे नहीं दिए तो हम इनसे खाली कराएं। फिर वो कहते हैं जी अदालतों में जाएं। अब अदालतों में भुगत रहे हैं 4 साल से, तो जब फैसला होगा तो फिर ही आगे काम होगा ना। तब तक वो तो मज़े कर रहे हैं अफगानी बैठ के फ्री में। आप परेशान बैठे हुए दिन रात सोचे जा रहे हैं क्या होगा? उनका काम है इसी तरह करते हैं, 3-4 साल कहीं जगह पर कब्ज़ा किया, जब वहाँ से हमारा उनकी दाल नहीं गलती फिर वो चलो जी आगे फिर और कहीं जगह। सर सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं इस वक्त? एक नई जमात भी बन रही है, जहांगीर खान तरीन साहब नई जमात भी ला रहे हैं, अवामी मसाइल हल हो जाएंगे इस तरह से? देखें जी हमें तो सबसे ज़्यादा तो सबसे पहले तो अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखनी चाहिए। अगर तो ये हम कहें कि हमें सियासतदान, तो ये तो अभी जो कंडीशन चल रही है उसके मुताबिक तो कोई अच्छा बेहतर नज़र नहीं आता। मगर अल्लाह ताला के ऊपर उम्मीद रखनी चाहिए, करना तो उसी ने। और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक ऐसी मुल्क है और ऐसी चीज़ है कि इसको कोई कुछ नहीं इसका बिगाड़ सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला की और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास रहमत है, इसलिए इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिहाजा हमें अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनसे मांगना चाहिए ताकि। क्या हाल भाई जी? अस्सलामुअलैकुम भाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाजी? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं भाजी? हम एक तरीके के काम कोई नहीं है, ना मजदूरी है कोई, ना हालात है, हम परेशान हो रहे हैं। ये देखें ये बिल इन्होंने भेजे हैं, ये क्या भाजी जुल्म है गरीबों पर। ये देखें ये 24,000 रुपये भेज दिए, ऐसे बिल भेज रहे हैं ये देखें आप, ये क्या है? हम देखें क्या करें इनका, आप किस तरफ हम जाएँ भाजी?
318 यूनिट भी उमेर रईस जरा दिखा दीजिए, 318 यूनिट है और 24,000 रुपये बिल। हाँ जी, हाँ जी, ये भाजी ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ, हमें टैक्स डाल दिए हैं, बिल डाल दी है और वो कह रहे हैं जमा ना कराया, मीटर उतार के आज ले जाएंगे आपका, मीटर उतार कर ले जाएंगे। हम किस तरह भाजी हैं भाई जी, आपने पिछले महीने का बिल नहीं जमा कराया वहाँ? 12,000 रुपये भाजी डाल रहे हैं एक माह का, 12,000 रुपये भाजी, पिछले माह भी 12,000 रुपये, आपके भी 12,000 रुपये भाजी। भाजी लर्जी सेवर मारे चलते हैं, एक पंखा चलता है भाजी, हम किस तरफ भाजी जाएँ, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर कहाँ पर जाएँ? अच्छा वैसे उमेर दिखाइए, ज़रा फोकस कीजिए कि मार्च 2023 में इनका बिल आया है जी 6,785 रुपये, ठीक है, उससे पहले भी 4,000 और इसी तरह से, लेकिन 1500 बिल आता था हमारा, 1200 रुपया बिल आता था महीने का, 1500 रुपये बाजी आता था बस, इससे ज़्यादा बिजली का बिल नहीं आता था। अभी तो हम पक्के नहीं चला रहे, कोई चीज़ नहीं चला रहे घर में, खाली लर्जी से फोर को इतना इतना बिल बाजी भेज रहे हैं हमें, ये क्या करेंगे हमारे साथ हुकूमत? इतनी गर्मी में बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे, बिल कर ही नहीं रहे बाजी, 2-3 महीने हो गए इस्तेमाल नहीं करे बिजली को, कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करे, ना पानी है ना बिजली है ना कारोबार है, बेरोजगारी है हर तरफ, कोई एक रुपए देने का रवादार नहीं है, ये मुल्क के साथ हमारे साथ क्या तो वही कर रहे हैं भाजी। हम अपने बच्चे पालने दवाइयाँ लेने जाते हैं, इलाज नहीं होते, मेडिसिन नहीं मिलती, हॉस्पिटल में जाते हैं वो कहते हैं ये देखें कितने ऐसे नज़र मारते हैं, 50 बच्चे मर रहे हैं, 100 बच्चा मर रहा है, इलाज 10 रुपये का नहीं कर रहे उधर हॉस्पिटलों के अंदर, इधर SDO के पास गए हैं वो कह रहे मीटर उतार के ले जाएंगे, इतना जुल्म भाजी, कहाँ किस तरफ हम जाएँ गरीब लोग? ये सारे मेरे भाई खड़े हुए हैं, ये देखें हम भीख मांग के भी गुजारा कर रहे हैं तो भीख नहीं मिल रही हमें, क्या किस तरफ जाएंगे हम? नज़ीन जी वही वाला मामला है जो आज से चंद रोज पहले हमने प्रोग्राम भी किया था कि एक साल पहले यही दिन थे और जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में लोगों को बहुत ज़्यादा बिल आ गए थे, लोगों ने रोड्स पर निकले, जलाओ घेराव किया, लेस्को ऑफिस के बाहर पहुँचे, तो उन बिलों को कम कर दिया गया था, लेकिन वो जो एक साल पुराने बिल थे वो अब मुख्तलिफ एक साथ में लोगों को दोबारा से लग के आ रहे हैं और लोगों को बताया भी नहीं जा रहा कि आखिर ये मामला क्या है। तो ये कहती है कि बिल जला दो, बिल दो ना, बिल फाड़ दो, ये हुकूमत तो कह रही थी नहीं, जो हुकूमत आई है PTI तो ये कह रहा था, इमरान खान साहब तो ये कह रहे थे, आज ये सब लोग कहाँ हैं, इमरान खान साहब कहाँ हैं? ये गरीबों के साथ जो जुल्म हो रहा है ये इमरान खान की वजह से ही हो रहा है सारा जुल्म जितना हो रहा है, अब नए इमरान खान साहब कहाँ चले गए? हमें तो पुराना पाकिस्तान दे दें, जो हमारा वो पाकिस्तान था उसमें हर बंदा तो गरीब की हेल्प कर देता था, तो हमें तो पुराना दे दें यहाँ पाकिस्तान, हमें नए। अब तो जो अच्छे खासे खाते पीते थे वो भी गरीब हो गए, वो कैसे? बाकी लोगों ने अपनी दुकानें छोड़ दी हैं, दुकानें बेच दी हैं, दुकानें जला दी हैं, बेरोजगार हुई हुई दुनिया, ये कितने लोग खड़े हैं आप इनसे पूछ लें, सुबह से लेके अभी तक लोग ये खड़े हुए हैं, इन्होंने चार चराने नहीं बेचारों ने कमाए, ये अपने बच्चों के पैंपर रोटी दूध पानी कहाँ से करेंगे भाजी? अब मैं ये बिल लेकर खड़ा हुआ हूँ कि किसी तरीके से जमा हो जाए, ये मैं मौत लेकर खड़ा हुआ हूँ सर पर अपने, नहीं देना। अब आप ये देखें कि कितना बड़ा जुल्म है, हम अपने बच्चों को कपड़े नहीं पहना सकते, जूती नहीं लेकर दे सकते अपने बच्चों को, 1,000 रुपये की जूती है, 1,500 रुपये की जूती है, कहाँ से लाएं भाजी पैसे? हम 150 रुपये किलो आटा कर रहे हैं, गोभी गोभी कर देते हैं 300 रुपये किलो भाजी, शिमले की मिर्ची है भाजी वो हम खा नहीं सकते, हम तो सब्जियां दाल नहीं खा सकते, आटा नहीं मिल रहा, कोई चीज़ नहीं मिल रही है, अपना अपना रेट है, सुबह जाओ काम पे, कारोबार नहीं है, क्यों? वो कहते हैं मुल्की हालात सही नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, गैस के बिल, सुई गैस के बिल, हर चीज़ों के बिल इतने महंगे किए हुए, आटे का थोड़ा 5 किलो का, 10 किलो का, पानी क्यों नहीं आ रहा घरों में, गर्मी का मौसम है, गैस भी बंद है, है? पानी भी बंद है, बिजली भी बंद हो जाती है, आटे का थोड़ा था 750 का, अब 650 का था, है? अब 1500 का बेच रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, है? इनको ही बददुआएं देगा ना, और बेचारे वो उठ के चले हैं शहबाज शरीफ और तो उनको जीने नहीं दे रहे, कोई ना कोई मसला हल कर देते हैं, वो फिर बेचारे ठंडे हो जाते हैं। मुर्गी तो ऐसा टाइम था, मुर्गी 200 रुपये 250 रुपये किलो बिकती थी, 600 रुपये बिक रही है, हैं? गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, सब्जियाँ महंगी, हर चीज़ महंगी, हैं? इस पर गौर करें, जब भी मुल्क हमारा बचेगा, नहीं तो हमारा मुल्क
तबाह हो जाएगा। अच्छा भाई बताइए जरा, एक नई सियासी जमात बन रही है, जहांगीर खान तरीन साहब नई जमात बना रहे हैं, मसाइल हल हो जाएंगे नई जमात के आने से? देखो नई जमात कोई अच्छे काम करेगी तो टिकेगी। देखो मैं एक आदमी अच्छा होएगा ना उसके साथ सारे ही चलेंगे, और वो उन्हें काम नहीं सही करेगा ना अवाम कोई भी नहीं साथ चलेगी। इमरान खान ने देखो उन्होंने बड़े सबक बाग दिखाए लोगों को, मैं यूं कर दूंगा पाकिस्तान में यूं कर दूंगा, उन्हें किया गया कितने साल हुकूमत की उन्होंने किया गया, गरीब आदमी मरा ही है, बचा तो नहीं है ना। ये सोचो आने वाला जो भी हुक्मरान आए अच्छा आए, मुल्क को सही करे। अच्छा मुझे बताइए कि जो भी आने वाले हुक्मरान हो, इलेक्शन हो जाते हैं अगर, या फिर मौजूदा जो हमारे हुक्मरान हैं, सबसे पहले आवाम का कौन सा मसला हल करें, क्या करें? सबसे पहले ये मसला हल है ना जो था, ये हर चीज़ सस्ती हो तो फिर हुकूमत चल सकती है, नहीं तो महंगाई पर महंगाई, टैक्स इतने हैं बिलों के, आदमी देख के ही पागल हो जाता, घर का खर्चा चलाएगा टैक्स देने में करता रहे। हुकूमत को करना चाहिए बिल सही करे, हैं सुई गैस का सही करे, और रात को 9 बजे के बाद गैस बंद हो जाता है आदमी को, हर चीज़ ही उसूल उन्होंने गलत निकाल दिया है कि 9 बजे गैस नहीं आएगी। बाजी कौन सा कानून है कि 9 बजे गैस ना आए, जब हम गैस है नहीं ना, गैस है नहीं, शुक्र करें 9 बजे तक मिल रही है, लाहौर के कई इलाके हैं वहाँ पे सारा दिन नहीं आती। आप मैं हकीकत कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत बरसती है, पाकिस्तान में हर चीज़ है, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं कि गैस नहीं, ये गैस है मगर दी नहीं जा रही गैस। क्या हाल है आपा? शुक्र आप ठीक है। कहाँ से आई हैं, किधर को जा रही हैं? यहाँ से ही चदरे से आई हैं, वहाँ यहाँ 60 रुपये देते हैं चीनी, तो उधर 70 रुपये देते हैं, तो मुर्गी 600 रुपये देते हैं, तो कहते हैं कम नहीं करने, तो गैस नहीं आता, पानी नहीं आता, बिजली इतनी जाती है, बहुत मसला, बहुत परेशान है। आप जिनके अपने घर वो गरीब जो किराए पे हैं वो भी इतना रोते हैं, बहुत जलील करते हैं। सारा दिन यही परेशानियां, या कोई अच्छी चीज़ भी कहीं से ठंडी हवा का झोंका भी आता है? वो तो अल्लाह ही भेजता है ना, वहाँ छत पे जाओ तो वैसे तो कुछ भी नहीं है। वह खवातीन पे कितना बोझ इन सारी चीज़ों का, घर गृहस्थी चलाने का बहुत ज़्यादा है, बहुत बेचारे जो हमारे घर में सामने रहते हैं, हमारा तो अपना घर है ना, किराए पर रहते हैं, वो किसी से लेते हैं पानी, बेचारे बहुत मजबूर हैं, हमारे घर से भी लेते हैं, बहुत मसला है, ये मसले हल होने चाहिए। वो तो एसी में बैठे हैं, वो देखो इनके गरीबों का हमारा है, कौन है, सही है ना, ये बात है। नज़र अवामी राय आपके सामने है, और लोगों की दुहाइयाँ भी आपके सामने हैं कि वो किस तरह से परेशान होकर रह गए हैं महंगाई की सूरत हाल को लेकर, और वाकई ही ये जो बिजली के बिल की शिकायत हैं ये बहुत ज़्यादा मौसूल होती जा रही हैं, और वाकई ही जो शख्स 10-15 या 20 चले 25,000 रुपये भी कमाता हो, जब वो बिजली का बिल देखता है 12-14-15 हज़ार रुपये, तो वाकई उसका दिमाग घूम जाता है कि घर पूरा महीना कैसे चलेगा और बिजली का बिल कैसे अदा होगा। इस वक्त जो नई सियासी जमात बनाई जा रही है, लोगों की जानिब से पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है कि अगर तो सियासी जमात आवाम के बारे में सोच लेगी, इलेक्शन में कुछ परफॉर्म कर जाएगी तो फिर उसको अच्छा जानेंगे, नहीं तो आवाम इस वक्त तकरीबन ज़्यादातर सियासतदानों से नाराज़ ही दिखाई दे रही है, और वजह है महंगाई। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, अल्लाह के बारे में।